तो हेलो एवरीबॉडी आप सभी लोगों का स्वागत है आर्क सर्वाइवल इवोल्ड के एक और एपिसोड में तो भाई लग रहा हूँ ना मैं खतरनाक प्रेडिएटर है के नहीं यस yes, गाइस तो भाई मैंने एक नया स्किन लगाया भाई अपने हेलमेट पे जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं भाई ये एक प्रेडियटेयर का स्किन है भाई नाइस nice. इसको मैं उतार भी सकता हूँ और ये मेरा पुराना चेहरा भाई बिखरे हुए बाल और बड़ी हुई ढाढ़ी चलो कोई दिक्कत नहीं तो गाइस यार मुझे आ, सब लोगों ने बोला कि भाई आप मेथ के जो डायनोजर वो टेम करो उनको टेम करना भी आसान है और भाई उनकी हेल्थ और उनकी पावर गाइस बहुत ही ज़्यादा औसम होती है मतलब उनसे पावरफुल डायनोज है ही नहीं भाई इस जगह में तो गाइस चलो आज मैथ के कुछ डायनोज ढूंढेंगे और उनको टेम करेंगे और वन मोर थिंग यार गाइस मेरे को मैथ के इस बेंच में काफ़ी सारे मतलब आर्मर वगैरह दिखे जिनके लिए भाई एक मैथ डोंग हॉन्ग बॉल बनानी पड़ती है लेकिन हम उसको क्राफ्ट कर सकते हैं बट उसको क्राफ्ट करने के लिए भाई एलिमेंट चाहिए और अभी तक मेरे पास एलिमेंट का कोई सोर्स नहीं है तो हम अभी एलिमेंट नहीं क्राफ्ट कर सकते भाई बट अपने पास एक चीज़ है गाइस तो सबसे पहले तो भाई मैं ये जो पुराने वाली कॉस्ट्यूम है इसको उतार देता हूँ और इसको स्मिथी टेबल में फेंक देता हूँ फेंक देता हूँ मतलब निकाल देता हूँ तो गाइस मैंने एक कॉस्ट्यूम बनाई है भाई इसी में ही बनती है वो तो ये रही भाई इस कॉस्ट्यूम का नाम है मैथ डेजर्ट क्लोथ शर्ट पैंट बूट हैट और ग्लव्स तो भाई ये बहुत सस्ते में बन जाते हैं मतलब आयरन वायरन से बन जाते हैं बहुत ही सस्ते में और इनको पहनने के बाद देखो गाई मैं कैसा दिखूंगा और इनका भाई ये एक तो अनब्रेकेबल है और दूसरी चीज ये है कि भाई इनका दो हज़ार का आर्मर है तो यार ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मतलब पहले वाले से तो ज़्यादा ही पावरफुल है और देखो भाई मैं एक जोकर लग रहा हूँ मतलब रंग बिरंगा जोकर लग रहा हूँ मैं ये बात अलग है भाई ठीक <laughs> है भाई ने चड्डी पहनी हुई है पता नहीं पैंट पहनी हुई है कुछ समझ नहीं आ रहा है बाकी ये बहुत रंग बिरंगा सा लग रहा है मतलब मतलब सही लग रहा है भाई औसम awesome. तो चलो देखते हैं आसपास कुछ मिल जाए अपने को भाई जिसपे हम उड़ सके और यार हमारे पास नारकोबेरीज होते हैं उसकी उनकी शॉर्टेज हो गई है तो हमें कुछ ऐसा डायनोस भी पकड़ना पड़ेगा जिससे कि भाई हम नार्कोबेरीज वगैरह फार्म कर सके फिलहाल तो मैं हाथों से ही फार्म कर रहा हूँ भाई ओके एक पैराडोस आलो सोरज है भाई और ये अबे ये भाला मैंने फेंक दिया मिलेगा ना मुझे वापस ओके चलो मिलेगा तो भाई इसका बहुत ज्यादा टोर पर और मुझे ही नहीं पता भाई ये क्या करेगा मेरे साथ तो चलो देखते हैं भाई क्या हम इसको टेम कर पाएंगे मतलब मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ आ... ओके गाइस मैंने इसको सुला दिया भाई ये मुझे डैमेज ही नहीं दे पा रहा था भाई मतलब ये आर्मर तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है भाई तो एक हमने पांच सौ साठ लेवल का गिरा दिया है यहाँ पे पैराडोस एलोसोरस देखो भाई इसको रख के तो मैं कुछ करूंगा नहीं तो इसको मार दू क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा भाई लेकिन यार इसको मारने में भी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि इसका हेल्थ कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो यार सामने एक पैगस पैगसिस है फ्रोजन पैगसिस ये आई थिंक उड़ने में मदद करेगा और ये भी भाई नॉकआउट से ही मतलब टेम होगा तो चलो देखते हैं भाई इसको टेम करके लेट्स गो बूम ओ भाई ये एक ही भाले में सो गया नाइस तो भाई इसकी इन्वेंट्री में ये डाल देते हैं हम और देखते हैं कि हम इस पर क्योंकि इस पे हम बिना सैडल के भी सवारी कर सकते हैं तो गाई ये ड्रेस तो मुझे बहुत पावरफुल लग रही है क्योंकि भाई इससे मुझे डैमेज नहीं पड़ा भाई चलो गाई देखते हैं कितनी देर में टेम होता है ये पैगसिस ओके गाई तो भाई हमारा पैगसिस तो टेम हो गया है चलो भाई आप जरा इस पे अरे उड़ नहीं सकता मैं इस पे अरे हाँ उड़ तो सकता हूँ यस भाई यही चीज़ तो चाहिए थी गाइज मुझे सबसे पहले तो भाई इसका स्पीड बढ़ाना होगा क्योंकि मुझे भाई कुछ नहीं चाहिए इसका स्पीड ही चाहिए मेन चीज तो भाई ये चीज़ बहुत सही लग रही है मुझे मैं उड़ सकता हूँ इसके ऊपर नाइस और भाई मैं इसका स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम गाइज मैं स्पीड की वजह से ही मरा था और आई थिंक ये बैरिस भी फार्म करेगा लेट मी चेक क्योंकि मैंने सुना है कि जो पैगसिस होते हैं ना वो बैरिस फार्म करते हैं लेट मी चेक वट ये बैरिस फार्म नहीं कर रहे हैं लोल यार ये पैकेसिस तो बैरिस फार्म करते हैं भाई ये नहीं फार्म कर रहा है लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा भाई तो चलो गाईज मैंने इसका स्पीड अच्छा खासा बढ़ा दिया है भाई अब और इसका डैमेज भी मैंने कुछ बढ़ा दिया है बढ़िया तरीके से ओ भाई अंडा पड़ा हुआ है नीचे फ्री का अंडा उठा लो तो चलो कोई भाई कोई मिथ डायनोस देखते हैं भाई आसपास अगर कोई स्पोन हो रखा है तो उसको क्योंकि वो पैसिव टेम होते हैं तो देखेंगे भाई पैसे टेम करके उनको ओ भाई यहाँ पे थ्री मिलियन की हेल्थ वाला प्रॉम्प पॉइजन डोडो है भाई ये पॉइजन डोडो है भाई इससे तो थोड़ा दूर ही रहो क्योंकि हमें पॉइजन नहीं चाहिए भाई यार मिथ डायनोस का ना एक दिक्कत है ये बहुत ही कम स्पोन होते हैं आसपास पास ओके गाइस तो भाई यहाँ पे कोई फैंटम पेट्राडोन है ओके भाई ये वाला पेट्राडोन मैंने एक पहली बार देखा नहीं फैंटम तपे जरा है पेट्राडोन नहीं है और इसका हेल्थ भाई सत्ताईस मिलियन का हेल्थ है लेकिन ये नॉट टेमेबल है भाई चलो फिर टेम नहीं कर सकते तो भाई हमारे किस काम का फाइट करने के लिए तो हम इससे अभी बने नहीं है भाई क्योंकि हमारा जो पैगसीज से इसका इतना ज़्यादा कोई डैमेज ओके गाइस ये मैंने क्या देख लिया भाई यहाँ पे ओके okay गाइस तो भाई मुझे एक बोस दिखाया जो कि 440 लेवल का है क्वीन ऑफ ब्लेड तो ये क्वीन ऑफ ब्लेड है गाइस और इसका हेल्थ जो ना 14, है 14140 चौदह हजार एक सौ चालीस बिलियन है यस गाइस तो भाई मैं इन्हीं डायनोस की बात कर रहा था जो मिलियंस में नहीं बिलियंस में हेल्थ रखते यानी हजारों बिलियंस में भाई मतलब मेरी मैथ भी घबरा गई है इसकी हेल्थ के सामने तो इसको बाद में देखेंगे भाई <laughs> लो लो ये टेमेबल होती तो भाई क्या ही होता आर्क का वैसे वो सही है नॉट टेमेबल है क्योंकि भाई वो बोस है Run, bitch! Run! ओ भाई ये बंदर कहां से आ गया ओ भाई साहब अरे यार मेरे को सुला दिया इस बंदर ने यार मरने वाला तो वो बंदर भाई अरे यार, शिट। भाई वो बंदर मुझे मार रहा yes, है मतलब बाकी था मुझे भी सुला दिया इसने और ये खुद भी सो गया बहुत बढ़िया बंदर जी और ये बंदर को ही टेम करूंगा अब मैं क्या मैं इसको टेम कर सकता हूँ अबे मर गया वो व्हाट अरे यार इसने मेरे पैगसीज को मार दिया और ये खुद भी मर गया भाई ये तो बंदर अलग है बहुत यार मतलब क्या करूं यार मैं इस बंदर का भाई चलो भाई अब इसने हमें नंगे प्यार कर दिया तो अब घूमना तो पड़ेगा ही वैसे आसपास यार मुझे कुछ उड़ने वाली चीज़ दिखी तो मैं डेफिनेटली टेम करना चाहूंगा भाई कोई बड़ी बात नहीं है मैं एक ड्रैगन के हाथों मारा गया हूं पैराडो शेडो विवरण चलो भाई एक शेडो विवरण के हाथों मारा गया हूँ छोटी मोटी चीज़ के हाथों नहीं मरा तो गई मैं यहाँ से जा रहा था भाई तो मेरे को यहाँ पे एक पैगासिस दिखा जो कि फंसा हुआ है फ्रोजन पैगसिस तो आई थिंक ये मेरे पे अटैक तो नहीं करेगा तो चलो भाई हम ही इस पे अटैक कर देते हैं तो चलो भाई इसको सुला देते हैं और फिर इसको टेम करते हैं और ये फंसा हुआ है शायद से हाँ ये फंसा हुआ है भाई चलो ये सो गया नाइस अब इजी टाइम हो जाएगा अच्छा वही फंसा हुआ था भाई फंसा होने की वजह से ये हमारे लिए जल्दी टाइम हो गया अच्छा हुआ भाई अपने को एक और उड़न तस्तरी मिल गई <laughs> सही है यार वैसे ये जगह भी बहुत सही है यार इधर चाहे तो हम अपना छोटा मोटा घर बना सकते थे यार अच्छा लग रहा है जगह वैसे एंड गाइस आर्क सर्वाइवल आपने खेली है रेगनर मैप तो क्या आप लोगों ने ये वाला पत्थर कभी नोटिस किया है क्या ये सच में जानदार पत्थर है या फिर ये ऐसी मतलब स्ट्रक्चर बनाया गया है आई डोंट नो इसको टच तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं लेकिन बड़ा सही बनाया है भाई जिसने ये बनाया है ये नाइस तो चलो गाइस भाई हमें हमारा एक और फ्रोजन पैकेस मिल गया है भाई और अब भाई मैं इसका अच्छा खासा लेवल करने वाला हूँ और इसका स्पीड में बढ़ाऊँगा क्योंकि भाई ये पाँच लेवल का मिला है तो डेफिनेटली सी बात है गाइज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भाई हमें बहुत तगड़ी मिलने वाली है एंड गाइज यार इस वाले फ्रोजन वाले पैकेस इसका अटैक डैमेज कुछ अलग सा है भाई देख रहे हो मैं अभी आप लोगों को एक्स दबा के दिखाता हूँ ये देखो गाइस भाई छब्बीस हजार का अटैक मार रही है मतलब पता नहीं क्या मार रही है सींग में से कुछ पावर निकल रही है इसके अजीब सी कुछ धुआं सा निकल रहा है मतलब फ्रोजन निकल रहा होगा शायद वो ओके गाइस तो भाई मुझे एक डायनो दिख गया है मिथ का तो ये मिथ क्रिस्टल वू कॉन्ग है तीन सौ चालीस लेवल का बट गाइज मुझे एक चीज अब पता चली कि भाई इनको टेम करने के लिए मुझे मिथ डोंग होंग बोल चाहिए होगी जो कि भाई मुझे मिलेगी सिर्फ और सिर्फ बॉस फाइट से मतलब बॉस फाइट से मुझे एलिमेंट मिलेगा उसके बाद ही मैं इनसे फाइट ले सकता हूं अगर मैं इससे फाइट लेकर देखूं तो क्या मतलब ये कितने का डैमेज देगा मुझे लेट मी चेक मैंने किसको मारा भाई अभी अभी कोई नल्ला आके मर गया मेरे से लग रहा है <laughs> तो भाई इसने मुझे डैमेज नहीं दिया यार क्या ये मेरे से फाइट नहीं करना चाहता ओली क्रैप ये क्या कर दिया इसने भाई खत्म यू वेयर किल्ड बाय मेथ क्रिस्टल वू कॉन्ग लेवल 340. ओ भाई मेरे को लग रहा है गाइस उसने सब खत्म कर दिया भाई एक झटके में सब खत्म मतलब ऐसे लग रहा था मुझे वो मुझसे लड़ना ही नहीं चाह रहा और अचानक ही उसने क्या किया सब कुछ खत्म कर दिया गाइज उसने मेरा घोड़ा वोड़ा सब मार दिया तो भाई मतलब मुझे भाई ये बॉल बनानी ही पड़ेगी कैसे न कैसे करके अदरवाइज मैं उनसे फाइट नहीं ले सकता भाई बिल्कुल भी नहीं ले सकता इम्पॉसिबल है तो भाई ये मैथ बॉल बनाने के लिए मुझे एलिमेंट चाहिए होगा और एलिमेंट मुझे कैसे मिल सकता है यार सोचना पड़ेगा A few inches later. तो क्या इस एलिमेंट का जुगाड़ भाई तुम्हारे भाई ने ढूंढ लिया है इसमें मैंने एक एलिमेंट क्राफ्टर डाल दिया है तो ये रहा भाई इसको बनाने के लिए ब्लैक पर्ल वगैरह चाहिए जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं वो ब्लैक पर्ल भाई बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपको रैगना रोक में वाद है कि ये तो बहुत ही छोटा है भाई तो चलो भाई मैंने इसको क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर लगा दिया है और ये बहुत छोटा है भाई ओके गाइस तो भाई इसको क्राफ्ट करने के लिए मतलब एक एलिमेंट क्राफ्ट करने के लिए ब्लैक पर लगेंगे क्रिस्टल लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक लगेंगे और पॉलीमर लगेंगे और ये सारी की सारी चीज़ें भाई मेरे पास हैं बस मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ओके मैं देख लेता हूँ यार मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पड़े तो थे ठीक है भाई गाइस मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ठीक है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो भाई इलेक्ट्रॉनिक लाने पड़ेंगे अपने को और इलेक्ट्रॉनिक लाने के लिए अपने को फिर से भाई एक चीज़ को टेम करना पड़ेगा क्योंकि भाई अपने को सवारी भी तो चाहिए ना घूमने के लिए ओके गाइस तो भाई सामने यहाँ पे मुझे कुछ खतरनाक चीज़ें दिख रही हैं तो ये देख रहे हो ओविस really, तो भाई ये तो अपने को चाहिए ही चाहिए थी भाई इनसे तो अपने को बहुत सारा मीट मिलेगा तो गाइस भाई अभी अभी मैंने एक, मैंने एक मैथ सेबर टूथ को सुला दिया है तो मुझे नहीं पता था भाई ये मतलब इतने आसानी से सो जाएगा और ये बहुत आसानी से टेम भी हो गया गाइस नाइस तो भाई अपने को एक सेबर टूथ मिला है मैथ का हाँ हालांकि इससे बोल तो नहीं मिलेगी मुझे भाई लेकिन ये कुछ खास नहीं है यार वैसे देखा जाए तो लेकिन फिर भी ठीक है गाइस जो भी मिला भाई अपने को भाई ये पत्थर तोड़ता हुआ जा रहा है भाई ओके गाइस तो भाई मेरे सामने एक मेका ट्राइस और टॉप्स हैं तो चलो इसको मार के देखते हैं पच्चीस हज़ार की हेल्थ है इसकी ओके गाइस इससे भाई मुझे थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गए हैं तो गाइज़ मैं अभी एक मेथ के ऐसे डायनो से पंगे लेने जा रहा हूँ भाई जिसका हेल्थ कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है भाई देखते हैं इससे पंगे लेके भाई क्या होता है ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो चलो भाई लेते हैं इससे पंगे तो फाइनली गई हमने एक ऐसे जा, जानवर को मार दिया भाई जिसका साइज़ आप लोग अभी देख ही सकते हो भाई और भाई इसको हमने कंज्यूम कर लिया के हमें मिथ बॉल मिलेगी तो भाई हमें मिथ बॉल तो नहीं मिली भाई लेकिन ये है कि भाई हमारे इस डायनो ने भाई एक मिथ डायनो को मार दिया भाई मतलब मिथ मिथ को मार सकता है वैसे भी यार ये टट्टी था ये वाला मिथ इसका वन मिलियन का भी हेल्थ नहीं था लेकिन यार मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि हम मिथ वाले डायनो को जो है ना ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे थे भाई मतलब दस ही हज़ार का डैमेज जा रहा था उसको जबकि हमारा ये तो बहुत ही बढ़िया डैमेज देता है ओके भाई देखो ये वन बिलियन हेल्थ वाला है यहाँ पे एक पैसि मिथ ब्लेड और मेरा साइबर टूथ मरने वाला मुझे ऐसा लग रहा है भाई निकल लो यहाँ से <laughs> तो गई गए तो भाई हम मिथ का कोई तगड़ा वाला डायनो पकड़ने के लिए थे बट अपने को भाई मिल गया ये मिथ का सेबरतूत और भाई ये भी कुछ कम नहीं है भाई देख रहे हो आप इसकी पावर इसकी आंखें देख रहे हो गई इसका सैडल देख रहे हो भाई क्या तगड़ा है और इसका पूँछ देखो और भाई ये तबाही मचाता हुआ जाता है हर जगह से तो गई ये अब अपनी अगली सवारी होगी भाई मतलब अभी फिलहाल अपन उड़े तो नहीं रहे लेकिन ज़मीन पर तो चल रहे हैं ना भाई जल्दी भाई हम तगड़े वाला मेथ का डायनो भी ले लेंगे क्योंकि भाई अब अभी, अभी अपने पास एलिमेंट नहीं है तो फिलहाल के लिए यार आज के लिए इतना काफ़ी है भाई क्योंकि हमारे को भाई कम से कम मीत का एक डायनो तो मिला भाई और ये भी गाइस कम नहीं है भाई पूरे उखाड़ देता है ये पूरा एकदम ज़मीन को तोड़ फोड़ देता है भाई ये भी कुछ कम नहीं है भाई बट हाँ मेथ के डायनोज इससे भी तगड़े होते हैं भाई बिलियंस में उनकी हेल्थ वगैरह होती है तो चलो भाई हम और भी तगड़े तगड़े डायनोज ढूंढेंगे मीत के आज के लिए लेगाइ इतना ही मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में तब तो तक के लिए लेगाइ बाय टेक केयर इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड एज ऑलवेज चाओ, चाओ।